फ्रेंड्स, इज एनिटिंग में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा ये कार्डिगन का डिजाइन लेके आई हूँ। इस डिजाइन को आप लेडीज कार्डिगन में, लेडीज जैकेट में, फ्रॉक में, शॉल में, टॉप में, कुर्ती में, किसी में भी आप इसको डालिएगा, उसी में बन के ये बहुत ही सुंदर डिजाइन आता है। जितना देखने में सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। देखिए फ्रेंड्स, इस डिजाइन को बनाने के लिए हम 19 के मल्टीपल में फंदे लेके और दो फंदे प्लस करेंगे तो हमारा ये डिजाइन सही से एडजस्ट हो जाएगा। जैसे पहले 19, फिर से 19, फिर से 19, ऐसे गिनते जाइएगा और दो फंदे लास्ट में बच जाएंगे तो हमारा ये डिजाइन सही से सेटल हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर दो फंदे की बजाय आपके फंदे दो से ज़्यादा हों, चार हों, जैसे हमने एक एक फंदा एच स्टिच लिया है, तो आप वहाँ पर दो दो फंदे भी कर लीजिएगा तो आपके फंदे सही से सेट हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये नीचे जिगजैग का बॉर्डर बनता हुआ नजर आएगा। अब अगर आप डालना चाहो तो इसको पूरे कार्डिगन में डाल सकते हो, डालना चाहो तो आप इसका बॉर्डर भी बना सकते हो। बनने के बाद बहुत ही प्यारी लुक बन के आती है और बनाना तो बहुत ही आसान है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। डिजाइन बनाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने ये 19 के मल्टीपल में फंदे लेके और दो फंदे प्लस किए हैं। देखिए फ्रेंड्स, कार्डिगन के लिए जब भी आप फंदे डालो तो थोड़े फंदे ऐसे लूज डालिएगा तो नीचे वाली जो ये किनारी बनती है हमारी जिगजैग की, बहुत ही सुंदर बन के आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो है। ये डिजाइन है जो हमारा ये 14 सिलाइयों में बन के कम्प्लीट होगा। यहाँ से लेके और यहाँ तक हमारी 14 सिलाई बन के आएगी। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है बनाना। अब इसको बनाना शुरू करते हैं। फर्स्ट रो जो है, धागा अपनी तरफ करेंगे और पूरी रो को उल्टा बनाएंगे। फर्स्ट रो को भी उल्टा बनाएंगे और सेकंड रो को भी उल्टी तरफ से उल्टा और थर्ड रो को भी उल्टा और फोर्थ को भी। तो हम इसकी चार सिलाइयां उल्टी उल्टी बना के पूरी करेंगे दोनों तरफ से। तो हमारी दोनों तरफ दो दो ये धारियां बन के आ जाएंगी डिजाइन की। देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारी चार सिलाइयाँ बन के कम्प्लीट हुई। दोनों तरफ दो दो धारियाँ बन के आ गई। डिजाइन की हमारी चार सिलाई बन चुकी हैं। अब हमारी पांचवी सिलाई सीधी तरफ, पांचवी सिलाई को पूरी को ऐसे सीधा बनाते हुए पूरा करेंगे। पांचवी सिलाई हमारी सीधी बनेगी और छठी सिलाई हमारी फिर से उल्टी बनेगी। इसको पूरी को सीधा बनाएंगे, पांचवी रो है, छठी को उल्टा बनाएंगे। ये हमारी छह रो बन चुकी हैं। फर्स्ट रो उल्टी, सेकंड उल्टी, थर्ड उल्टी, फोर्थ उल्टी, फिफ्थ रो को हमने सीधा बनाया और सिक्स रो को फिर से उल्टा बनाया। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी ये सातवीं रो है। सातवीं रो में हम अपना डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो ये डिजाइन यहाँ से बनना शुरू है, ये यहाँ पे हमारी हाफ डिजाइन बनेगा और बीच में हमारा पूरा डिजाइन बनेगा। तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। ये हमारी सातवीं रो है। तो फर्स्ट फंदा एच स्टिच, बनाना चाहो तो बना सकते हो और उतारना चाहो तो उतार सकते हो। धागा अपनी तरफ करेंगे, दो का एक करेंगे, दो का एक, फिर से दो का एक, फिर से दो का एक, ऐसे तीन बार दो का एक करने के बाद धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। और अब आगे जो हमारे ये फंदे हैं, इन पे छह जाली डालेंगे। एक फंदा सीधा बना लिया, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक जाली डल गई, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, दो जाली डल गई, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, तीन, फिर धागा अपनी तरफ, चार, फिर धागा अपनी तरफ, पांच, फिर धागा अपनी तरफ, छह। तो देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे छह जाली डल चुकी है। तीन फंदे हमारे यहाँ पे कम हुए थे दो का एक करने के बाद, तो यहाँ पे तीन फंदे बढ़ गए। अब फिर हम दो का एक करेंगे तो तीन फंदे यहाँ घटेंगे, वो यहाँ पे बढ़ गए। तो धागा अपनी तरफ करेंगे, अब हम यहाँ पे छह बार दो का एक करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच और छह। धागा पीछे करेंगे,
एक फंदा सीधा। अब फिर यहाँ पे छह जाली डालेंगे, एक दो तीन चार पांच और छह, धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर से दो का एक, फिर से दो का एक, फिर से दो का एक, 3 बार दो का एक किया, धागा पीछे किया, फिर एक फंदा सीधा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके प्रोजेक्ट में जितने भी फंदे हों आप उनको ऐसे ही सेट करते जाइएगा। एक सीधा, ये यहाँ पे हाफ डिजाइन डलेगा, 3 बार दो का एक, फिर 6 जाली, फिर 6 बार दो का एक, फिर 6 बार जाली। अगर ज़्यादा आपके फंदे हैं तो यहाँ पे 3 की बजाय आप फिर 6 बार दो का एक, फिर 6 बार जाली, ऐसे ही डालते जाइएगा और इस रो को, 7वीं रो को पूरा कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आएंगे बैक साइड में 8वीं सिलाई पर, धागा अपनी तरफ करते हुए पूरी रो को ऐसे उल्टा बना लेंगे। ये पूरी रो हमारी उल्टी बनेगी। देखिए फ्रेंड्स, 7वीं सिलाई में डिजाइन डाला, 8वीं को फिर से उल्टा बनाया। अब आ गए हम 9वीं सिलाई पर, 9वीं सिलाई को फिर से ऐसे ही बनाएंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से दो का एक करेंगे, फिर से दो का एक करेंगे और फिर से दो का एक करेंगे। अब हमारे यहाँ पे एक जाली का एक सीधा फंदा आ जाएगा, तो इनका दो का एक करेंगे। सिर्फ आप स्टार्टिंग में ही ध्यान रखिएगा, एक फंदा सीधा, 3 बार दो का एक, धागा पीछे, फिर एक फंदा सीधा, 6 जाली फिर डाल देंगे, धागा अपनी तरफ, एक जाली, धागा अपनी तरफ, दो जाली, धागा अपनी तरफ, 3 जाली, धागा अपनी तरफ, 4 जाली, धागा अपनी तरफ, 5 जाली, धागा अपनी तरफ, 6 जाली। तो हमारी ये 6 जाली यहाँ पे डल गई। जो यहाँ पे 3 फंदे हमारे कम हुए हैं वे हमारे यहाँ पे बढ़ चुके हैं। अब फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और दो का एक कर देंगे यहाँ पे, फिर से दो का एक करेंगे, 6 बार दो का एक कर देंगे, 3 बार, फिर से दो का एक करेंगे, 4 बार, फिर से दो का एक करेंगे, 5 बार, फिर से दो का एक करेंगे, 6 बार, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, फिर 6 जाली डालेंगे, एक जाली, धागा अपनी तरफ, दो जाली, धागा अपनी तरफ, 3 जाली, फिर धागा अपनी तरफ, 4 जाली, फिर धागा अपनी तरफ, 5 जाली, फिर धागा अपनी तरफ, 6 जाली। तो हमारी यहाँ पे 6 जाली डल चुकी हैं। जो फंदे यहाँ पे 3 फंदे हमारे कम हुए हैं वे हमारे यहाँ पे बढ़ चुके हैं। धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर से 3 बार दो का एक, दो का एक, 2 बार दो का एक, 3री बार फिर दो का एक, धागा पीछे करेंगे, लास्ट एज स्टिच फंदे को सीधा बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी 9वीं सिलाई थी डिजाइन की। अब हम आएंगे बैक साइड में 10वीं सिलाई पर, 10वीं सिलाई को फिर से हम उल्टा बना के पूरा करेंगे। पूरी सिलाई को ऐसे धागा अपनी तरफ करते हुए इसको पूरी को उल्टा बना देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब आ गए हम सीधी तरफ, सीधी तरफ फिर से 11वीं सिलाई पर पहला फंदा सीधा बनाएंगे, एज स्टिच है, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से दो का एक करेंगे, फिर से दो का एक करेंगे, फिर से दो का एक करेंगे, ऐसे धागा पीछे करेंगे, 3 बार दो का एक करने के बाद एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर 6 जाली डालेंगे, एक दो तीन चार पांच और छः, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर यहाँ पे दो का एक करेंगे, फिर से दो का एक करेंगे, 2 बार, फिर से दो का एक किया, 3 बार, फिर से दो का एक किया, 4 बार, फिर से दो का एक किया, 5 बार, फिर से दो का एक किया, 6 बार,
धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ किया, एक जाली डल गई, फिर से धागा अपनी तरफ किया दो बार, फिर से धागा अपनी तरफ किया तीन बार जाली, फिर धागा अपनी तरफ किया चार बार जाली, फिर धागा अपनी तरफ किया पांच बार, फिर धागा अपनी तरफ किया छह बार। तो हमने यहाँ पे छह जाली डाल दी। धागा अपनी तरफ करके अब फिर तीन बार दो का एक करेंगे, दो का एक, फिर से दो का एक और फिर से दो का एक। धागा पीछे करेंगे, एच टीज फंदे को सीधा बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये डिजाइन ऐसे नज़र आने लगा। अब आएंगे हम बैक साइड में बारहवीं सिलाई पर। बारहवीं सिलाई को हम फिर से पूरी को उल्टा बना के कवर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 12 सिलाइयाँ बन के तैयार हो गई हैं। अब आ गए हम 13वीं सिलाई पर। 13वीं सिलाई को धागा पीछे करेंगे और पूरी सिलाई को ऐसे सीधा बना के पूरा करेंगे। पूरी सिलाई को सीधा बनाएंगे, ये हमारी 13वीं सिलाई है। और 14वीं सिलाई को पूरी को उल्टा बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, 14 सिलाई अब हमारी ये कंप्लीट हो चुकी हैं और हमारा डिजाइन भी ओवर हो गया है। इन्हीं 14 सिलाइयों को जब आप रिपीट करते जाएंगे, अब ये 14 सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है, डिजाइन एक बार पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब फिर स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट रो से ही शुरू करेंगे। अब यहाँ पे चार सिलाइयाँ हमारी उल्टी उल्टी आएंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ उल्टी बना के फिफ्थ रो को फिर सीधा बनाएंगे, सिक्स को फिर उल्टा बनाएंगे, फिर ये डिजाइन डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इन्हीं 14 सिलाइयों को जब आप रिपीट करते जाएंगे तो हमारा ये बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा ये डिजाइन बन के आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।